सब्सक्राइब कीजिए ई हिंदी उर्दू चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को हमारे टेक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, ई हिंदी उर्दू चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आपके विंडोज 10 में जो है दोस्तों आपके टास्क मैनेजर में आपका जो GPU टेम्परेचर रहता है वो आपको शो नहीं कर रहा है, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। तो इसके लिए बहुत बेसिक से मेथड्स मैं आपको बताने वाला हूँ, तो एक भी मेथड मत मिस कीजिए, हर मेथड केयरफुली फॉलो कीजिए। तो सबसे पहले आप अपने टास्क मैनेजर को क्लोज कीजिए। इस तरीके से क्लोज करने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका जो ग्राफिक कार्ड का जो ड्राइवर मॉडल रहता है वो आपको चेक करना है। तो विंडोज़ की प्रेस कीजिए और यहाँ पर आपको टाइप करना है DXDIAG, इस तरीके से टाइप करना है और इंटर हिट करना है। और यहाँ पे आपको जाना है डिस्प्ले में। डिस्प्ले में दोस्तों आपको आना है ड्राइवर सेक्शन में। आप यहाँ पे देख सकते हैं ड्राइवर मॉडल WDDM 2.0। तो अगर आपके पास भी WDDM 2.0 है तो आप अपने टास्क मैनेजर में जो है दोस्तों GPU टेम्परेचर को चेक नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास 2.4 या फिर उसके हायर वर्जन वाला ड्राइवर मॉडल है तो आप उसको इजी तरीके से आप अपने विंडोज 10 टास्क मैनेजर में GPU टेम्परेचर को चेक कर सकते हैं। अगर आपका ड्राइवर मॉडल WDDM 2.0 है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए। ड्राइवर मॉडल 2.0 भी है तो आप उसको जो है GPU टेम्परेचर को चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, विंडोज़ की होल्ड करना है और आई प्रेस करना है, विंडोज सेटिंग्स को ओपन कर लेना है और आप अपडेट एंड सिक्योरिटी में। अपडेट एंड सिक्योरिटी में दोस्तों अगर आपका विंडोज़ 10 का अपडेट अवेलेबल है तो सबसे पहले उसको जो है अपडेट को डाउनलोड और इंस्टॉल कीजिए। आप अपने विंडोज 10 को अपडेट कीजिए। अपडेट के साथ साथ जो है दोस्तों इसके जो ग्राफिक के जो ड्राइवर्स रहते हैं वो भी अपडेट हो जाएंगे, तो इससे भी हो सकता है आपका प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा, वहाँ पे आपको GPU टेम्परेचर देखने को मिल जाएगा। ये मेथड से अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो आपको जाना है आपके डिवाइस मैनेजर में। विंडोज़ की प्रेस कीजिए और यहाँ पर सर्च कीजिए डिवाइस मैनेजर और उसके बाद इंटर हिट कीजिए। इंटर हिट करने के बाद यहाँ पे आपको जाना है डिस्प्ले अडाप्टर्स में, उसको एक्सटेंड कीजिए और आप अपने ग्राफिक कार्ड पे राइट क्लिक कीजिए और अपडेट ड्राइवर सॉफ्टवेयर पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिल जाएंगे, आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं या फिर आपके PC से भी इसके ड्राइवर्स को जो है अपडेट कर सकते हैं। आप दोनों मेथड जो है एक एक करके ट्राई कीजिए। और जैसे मैं सेकेंड ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ तो मुझे ये कह रहा है कि सर्च फॉर अपडेट ड्राइवर ऑन विंडोज़ अपडेट, तो ये मुझे कह रहा है कि दोस्तों विंडोज़ आपका जो विंडोज़ है उसको अपडेट कीजिए, वहाँ से ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगे। तो ये मेथड भी आप ट्राई कर सकते हैं और या फिर आप जो है फर्स्ट मेथड भी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ से जो है आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं आपके ड्राइवर्स के लिए। तो मुझे जो है दोस्तों यहाँ भी सेम ऑप्शन शो कर रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं सर्च फॉर अपडेटेड ड्राइवर ऑन विंडोज़ अपडेट। अगर आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन शो कर रहा है तो आप ऑन स्क्रीन प्रोसेस फॉलो करके उसको जो है कम्प्लीट कर सकते हैं। इसके बाद अभी आप चेक कर सकते हैं, आपके टास्क मैनेजर में जाइए और देखिए अभी आपका ड्राइवर्स वगैरह अपडेट करने के बाद अगर आपके पास GPU टेम्परेचर शो कर रहा है या नहीं। इन केस इससे भी अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो लास्ट और फाइनल मेथड मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, आपको क्या करना है, थर्ड पार्टी ऐप जो है आपके PC में डाउनलोड और इंस्टॉल करना पड़ेगा। सेम जैसे आप अपने टास्क मैनेजर में GPU टेम्परेचर को चेक करते हैं दोस्तों, उसी तरीके से आप अपने ऐप में भी चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले वो ऐप को डाउनलोड और इंस्टॉल कीजिए। कोई भी एक ब्राउज़र ओपन कीजिए आप अपने PC में और यहाँ पे आपको सर्च करना है GPU Z डाउनलोड, इस तरीके से सर्च कीजिए और इंटर हिट कीजिए। इसकी जो फर्स्ट लिंक है उसको ओपन कीजिए, यहाँ से आप इजीली GPU Z ये वाले ऐप को जो है डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जस्ट सबसे पहले आप इसको डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद मैं ऑलरेडी इसको डाउनलोड किया हुआ और इसको इंस्टॉल भी किया हुआ, बहुत सिंपल सा इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस है। इंस्टॉल करने के बाद इसका शॉर्टकट आपके डेस्कटॉप पे क्रिएट हो जाएगा, आप इसको जो है डबल क्लिक करके ओपन कीजिए। इसके शॉर्टकट को इंस्टॉल होने के बाद मैं साइड बाय साइड आपको टास्क मैनेजर भी ओपन करके बताऊंगा और ये वाला जो ऐप है ये भी आपको मैं ओपन करके बताऊँगा। तो जो यहाँ पर आपको रीडिंग मिलती है टास्क मैनेजर में वही रीडिंग आपको वो ऐप में भी आपको मिल जाती है। तो अभी वो ऐप ओपन हो रहा है दोस्तों, थोड़ी देर वेट कीजिए। तो ऐप ओपन होने के बाद दोस्तों आपको जाना है सेंसर वाले टैब में इस तरीके से, और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों GPU टेम्परेचर अभी वो आपको शो कर रहा है। GPU टेम्परेचर के अलावा दोस्तों आपके टास्क मैनेजर में जो रीडिंग यहाँ पे शो कर रही है वही रीडिंग यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट जो है सेम रीडिंग जो है शो करेगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जैक्टली जो रीडिंग आपके टास्क मैनेजर में मिलती है वही एग्जैक्ट रीडिंग आपको आपके
ऐप में जो है मिल जाती है। मेरे पास तो जो है दोस्तों जीपीयू टेम्परेचर शो नहीं कर रहा है, बट मैं ये ऐप में जो है दोस्तों मेरा जीपीयू टेम्परेचर जो है फाइंड आउट कर सकता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए 60 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे वो शो कर रहा है। अगर आपके पास भी अगर आपके विंडोज 10 में जीपीयू टेम्परेचर शो नहीं कर रहा है तो ये मेथड से उसको जो है फिक्स कर सकते हैं। तो बस दोस्तों ज़्यादा कुछ है नहीं इस वीडियो में बताने के लिए, सिंपल सा और इजी सा वीडियो है। एक्चुअली वीडियो हमारे किसी सब्सक्राइबर के लिए बना रहा था, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों के लिए भी और सब्सक्राइबर्स के लिए भी हेल्पफुल होगा। वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दोस्तों इसी तरह के अमेजिंग इंटरेस्टिंग डेली वीडियोज़ हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। कमेंट में ज़रूर बताइए आपको कौन सा वाला मेथड वर्क किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।